स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। चूड़ी फैक्ट्री में काम दिलाने के नाम पर गुड़ाबंदा थाना क्षेत्र के एक नाबालिग समेत 5 लड़कियों को मध्य प्रदेश ले जाने के 2 महीने बाद भी उनकी कोई खबर नहीं मिलने पर मामला गुड़ाबंदा थाने तक पहुंचा था। घटना के बाद जिला पुलिस टीम सतर्क हुई और टीम बनाकर पुलिस को मध्य प्रदेश भेजा। पुलिस ने इस दौरान मध्य प्रदेश और राजस्थान में छापामारी करके एक नाबालिग समेत 3 लड़कियों को बरामद कर लिया है। इसका खुलासा शुक्रवार को SSP डॉक्टर M तमिलवानन ने प्रेस वार्ता करके किया। बता दें कि SSP के अनुसार सब लड़कियों को लेकर गुड़ाबंदा हथिया पाटा का रहने वाला दलाल बलेश्वर मुंडा मध्य प्रदेश पहुंचा था। वहां सभी लड़कियों को एक होटल में रखा था। इस दौरान सभी से उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए। इसके बाद सभी लड़कियों को 90,000 से लेकर 6 लाख रुपए तक में बेच दिया गया। एक लड़की को राजस्थान में एक व्यक्ति के हाथों द्वारा 6 लाख में बेचा गया है। वहीं उसकी बरामदगी के लिए शहर की पुलिस टीम छापामारी कर रही है। इसके अलावा भी एक अन्य लड़की का पता नहीं चल सका है। SSP का कहना है कि 25 साल पहले गुड़ाबंदी की एक महिला की शादी मध्य प्रदेश में हुई थी। वह महिला ही रैकेट की सरगना है। वह गुड़ाबंदी के बालेश्वर के संपर्क में रहती है। बालेश्वर लड़कियों को लेकर पहुंचता है और वह बेचने का काम करती है। लड़कियों को ले जाने के बाद उन लोगों को दलालों द्वारा पहले 2 से 3 महीने चूड़ी फैक्ट्री में काम पर लगा देते हैं। 2 माह तक उन्हें ठीक ठाक रुपए भी दिए जाते हैं। उसके बाद उन्हें अलग अलग रेट पर बेच दिया जाता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले के उद्भेदन करते हुए गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अन्य की गिरफ्तारी एवं 2 और लड़कियों की बरामदगी को लेकर पुलिस मध्य प्रदेश में कैंप कर रही है। जल्द ही उन सभी को बरामद कर लिया जाएगा। ये बीते 5 जनवरी को गुड़ाबंदा थाना क्षेत्र से जो गांव है ग्राम पहाड़पुर वहां के सबर परिवार से ये व्यक्ति आए हैं और थाना प्रभारी को लिखित एक आवेदन दिए थे कि उनके बच्ची एवं अन्य 4 बच्चियों की किसी व्यक्ति द्वारा चूड़ी फैक्ट्री में काम करने के लिए मध्य प्रदेश ले जाने के बाद बताई गई थी, लेकिन 2 महीना होने के बाद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और वो व्यक्त करते थे कि हमारे बच्चे कहीं सही सलामत है कि नहीं, इसको पता करने के लिए उन्होंने आग्रह किया था। हम लोगों को उसमें मालूम पड़ा है कि जो रैकेट है बच्ची को ले जाके कहीं दूसरा जगह पे काम करने के नाते ले जाते हैं, प्लस 2-3 महीना पेमेंट करते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं और अपना गलत काम करवाने के लिए पे करते हैं। तो हम लोग इसमें तुरंत एक DSP मुसावानी के नेतृत्व में टीम का चयनित किए थे। इसमें गुड़ाबंदा थाना प्रभारी एवं वहां के ऑफिसर सब इंस्पेक्टर से उनके नेतृत्व में अनुसंधान टीम गठित किया था। तुरंत हम लोग जो है टीम को रवाना किए थे 6 तारीख को, जिसमें हम लोगों को सफलता मिली है। 3 लड़की हम लोगों को बरामद हुई और 5 इसमें अभियुक्त हम लोगों को गिरफ्तार हो पाए। जैसे ये लोग इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है जो बालेश्वर मुंडा है, अभी आपके सामने पेश किया गया था, ये वहीं का रहने वाला है। एक उड़ीसा के व्यक्ति के साथ मिलके 5 बच्चियों को, एक माइनर है बाकी 4 मेजर है, लेकिन सब किसी को शादीशुदा नहीं है, इन लोगों को चूड़ी फैक्ट्री को काम करने के नाते लेके गए हैं। वहां लेके जाने के बाद हर किसी लड़की को हर अलग अलग रेट में इनको वहां का लोकल में और राजस्थान में जाके बेच दिया गया है। सबसे पहले इन लोग को एक होटल रूम में रखा गया है, मोबाइल वगैरह छीन लिया गया था, परिवार से संपर्क नहीं हो पाई, प्लस उसके बाद 90,000 से लेकर 6 लाख तक इन लोगों को बच्चियों को बेच दिया गया है। और इसमें जो 3 बच्ची हम लोगों के, एक माइनर और 2 मेजर है, तीनों हम लोग को रिकवरी कर लिए हैं। बाकी 2 बच्ची का हम लोग अभी टीम अभी भी जो है वहां पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में कैंप कर रही है। और जो लड़की राजस्थान के बात हो रही है उनको करीब 6 लाख के आसपास में एक गुजार कम्युनिटी का आदमी खरीदा है। और इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये है कि बच्ची जब यहां से चले जाते हैं वहां पर जो आप महिला एक देख रहे थे ये भारागोड़ा का रहने वाले हैं, अपना ही जिला के हैं, तो ये 25 साल पहले वहां गए थे, शादी होके किसी के साथ रह रही है और उनके माध्यम से ये बच्चियों को यहां से काम करने के तरीके ले जाते हैं और वहां पर जाके उनको गलत काम में लगाते हैं या नहीं तो फिर पैसा जो देते हैं उनको बेच देते हैं। वहां पर लड़की शादी करने के लिए मुश्किल पड़ रही है तो इसलिए ऐसे काम किया जा रहा था और उनको भी हम लोग गिरफ्तार किए हैं। और टोटल 3 लड़की इसमें सही सलामत बरामद हो गए हैं और उनका कोर्ट में भी 164 का बयान भी हो गया है। 2 लड़की हमारा बची हुई है, उनको हम लोग बरामद करने में लगे हुए हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।